हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे है ये मेरा स्नेक प्लांट जो काफ़ी लंबा और बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं इसकी दो लीफ भी अभी कट गई और इतना लंबा है ये, बहुत ज़्यादा, कि इसके साइड से स्नेक प्लांट नहीं हो रहा, बल्कि बीच से ही इसके बेबी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं अभी देखी तो सोची आप लोग से भी शेयर करूँ। बीज से भी स्नेक प्लांट होते हैं बेबी, छोटे वाले बेबी। और इसका साइड में भी था दो तीन, तो अभी मैं जस्ट रिपोर्टिंग की हूँ, किसी दूसरे पॉट में लगाई हूँ। लेकिन अगर इस बेबी को सोचूँ मैं लेना तो नहीं ले सक रही, क्योंकि इसके बीज से ही ये फूल आ रहे हैं, मतलब बेबी हो रहे हैं। और देख के स्नेक प्लांट ऐसा लग रहा था कि ये कोई भी अब बिल्कुल बेकार हो गया है, ओल्ड हो गया है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है, अभी भी ये बेबी दे रहा है। देखिए इसका एक फ्लावरिंग यहाँ पे हुआ है, कितना खूबसूरत है, बीज से हो रहा। अगर मैं सोच रही इसकी कटिंग से मैं दूसरे में लगाऊं तो नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे एक दो बेबी है छोटा छोटा, तो ये हम लगा सकती हूँ कहीं पर, ये लग जाएगा किसी पॉट में अगर इसे लगाना चाहूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं जस्ट इसमें से निकाल के रिपोर्टिंग की हूँ, इसका ये वाला अभी उसी में से मैं निकाल के इस पॉट में लगाई हूँ, तो निकल गया है मेरा। अब वो कितना बड़ा और बहुत बड़ा हो गया था, और पूरा ये इधर लटक रहा था, उधर लटक रहा था। मैं तो सोची अब ये स्नेक प्लांट ख़राब हो गया है, लेकिन इसके अभी इतनी प्यारी बारिश वगैरह हुई और पानी की वजह से इसमें बहुत सारे बेबी हुए, तो एक मैं इसमें लगाई हूँ और एक बेबी अभी मैं इसमें लगाई हूँ, उसी में से निकाल के मैं इसमें लगाई हूँ। उसके साइड में था और दो और हैं जो उसके बीच में है, और छोटू सा जो है अभी उसी में से मैं इसमें भी लेके लगाई हूँ। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, मैं अभी जस्ट लेके छोटा सा बेबी लेके लगाई, रिपोर्टिंग की हूँ इसमें, और इसमें भी रिपोर्टिंग की हूँ अभी। तो मेरा ये इतना ओल्ड जो स्नेक प्लांट है उसके इतने सारे बेबी निकले हैं, और जो मैं बेबी निकाली थी तो दो पत्ते भी मेरे ये टूट गए हैं। तो इसकी मैं इसकी छोटे छोटे पीस को कट करके और इस पत्ती को भी लगा दूँगी, इसमें से भी छोटे छोटे बेबी आ जाएंगे। और मैं ये वाले जब बेबी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको भी रिपोर्टिंग किसी पॉट में कर दूँगी, लेकिन अभी बहुत ही छोटा सा बेबी तो अभी रहने देती हूँ। और ये वाला तो मुझसे नहीं निकल रहा है क्योंकि ये बीज से हुआ है, तो ये एकदम बीच से हुआ है। एक और है इसके बीच में, ये वाला इस तरह का प्लांट, तो मैं इसमें भी सोची इसको भी निकालूं, तो ये सबसे बीच में, तो ये तो खैर नहीं निकल पाएगा। और भी मेरे पास स्नेक प्लांट है तो उसके साइड में बेबी आते हैं, जैसे ये है तो उसके साइड में बेबी हैं। जैसे ये पता नहीं कौन सा ये फ्लावर हो गया, खुद से स्नेक प्लांट में लगा हुआ है, और ये है तो इसके भी साइड में है। तो बहुत सारे ऐसे स्नेक प्लांट है, जैसे ये वाला भी एक था डब्बा में, तो ये काफ़ी लंबा हो गया था और लटक रहा था, बहुत पुराना जैसा लग रहा था, लेकिन इसके भी बहुत प्यारे से छोटे ऐसे बेबी आए हैं। और इधर भी ये छोटा सा बेबी एकदम प्यारा सा आया है, तीन है, अगर मैं चाहूँगी तो तीन रिपोर्ट कर सकती हूँ तीन पॉट में, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। और इस तरीके से मैं इसको वेस्ट नहीं होने दी, लगा दी थी कि ताकि इसमें से बेबी आए, और सच में बेबी आ गए इसमें से। और ये वाला भी इस तरह का कलर वाला भी स्नेक प्लांट है, तो उसके साइड से बेबी आते हैं, जैसे कि ये बेबी है, इसको भी निकाल के मैं चाहूँगी तो दूसरी रिपोर्ट कर सकती हूँ, मगर इसी में रहने देती हूँ कि ताकि घना होगा। इसमें भी छोटे से बेबी आए हैं, इसमें भी छोटू सा बेबी है एक, जिसको मैं इसी में रहने देती हूँ कि ताकि इसी में बड़ा हो जाए, घना भी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी जो पत्ती, दो पत्ती बड़ी बड़ी जो टूट गई थी, तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग भी लगा दी हूँ।